हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू करंट स्टडी सेंटर। मैं रोहित आपके अपने परिवार करंट स्टडी सेंटर में स्वागत करता हूं। मैं इस चैनल पर डेली सुबह में करंट अफेयर्स की वीडियो अपलोड करूंगा। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो लाइक कीजिएगा, वीडियो शेयर कीजिएगा और चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा। आज है 5 जुलाई 2020। इससे रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर बन सकते थे मैं सारे इस वीडियो में डिस्कस करूँगा। और आप इस वीडियो का PDF फाइल आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स से डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं आज का क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में किसे 2020 में डियाना पुरस्कार के लिए चुना गया है? तो अभी श्रेया ठकराल को 2020 के डियाना पुरस्कार के लिए चुना गया है, यानी कि इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है। श्रेया ठकराल ये दिल्ली की हैं और ये मात्र 13 साल की हैं और इन्हें 2020 के डियाना पुरस्कार के लिए चुना गया है। और अदर ऑप्शन को डिस्कस करें तो सिद्धार्थ वरदराजन ये भारतीय पत्रकार हैं और इन्हें फ्रीडम ऑफ स्पीच अवार्ड मिला था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, हाल ही में किस बैंक ने किसानों के लिए ई किसान धन ऐप लॉन्च किया है? तो अभी HDFC बैंक ने किसानों के लिए ई किसान धन ऐप लॉन्च किया है, यानी कि इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है। ई किसान धन ऐप, इसका उद्देश्य क्या है? तो इस ऐप के थ्रू जो किसान है ये बैंकिंग और कृषि दोनों की सुविधा इस ऐप में पा सकेंगे और इस ऐप से किसानों को ये पता चल सकेगा कि मार्केट में किस अनाज का क्या भाव चल रहा है और साथ ही मौसम की भविष्यवाणी इस ऐप के थ्रू पा सकेंगे। और इसे लॉन्च किया है HDFC बैंक ने। अब इसे HDFC बैंक ने लॉन्च किया है तो HDFC बैंक की फुल फॉर्म क्या होती है? तो HDFC बैंक की फुल फॉर्म होती है हाउसिंग डेवलपमेंट एंड फाइनेंस कॉरपोरेशन। क्या होती है? हाउसिंग डेवलपमेंट एंड फाइनेंस कॉरपोरेशन। इसकी स्थापना 1994 को हुई थी। कब हुई थी? 1994 को हुई थी। इसका हेडक्वार्टर मुंबई में है और इसके एमडी हैं आदित्य पुरी। कौन है? आदित्य पुरी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, हाल ही में किसे सियरा लियोना गणराज्य में भारत का राजदूत नियुक्त किया गया है? तो अभी राकेश कुमार अरोड़ा को सियरा लियोना गणराज्य में भारत का राजदूत नियुक्त किया गया, यानी कि इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। अब बात आती है सियरा लियोना की, तो मैप में देखते हैं सियरा लियोना कहाँ है। ये है सियरा लियोना और ये अफ्रीका महाद्वीप में स्थित है। कहाँ है? अफ्रीका महाद्वीप में स्थित है और इसकी कैपिटल फ्री टाउन है। क्या है? फ्री टाउन। और इसकी करेंसी सियरा लियोनियन लियोन है। क्या है? सियरा लियोनियन लियोन है। और इसके प्रेसिडेंट जूलियस माडा बायो हैं। कौन है? जूलियस माडा बायो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, हाल ही में दिल्ली के बाद किस राज्य ने प्लाज्मा बैंक स्थापित करने की घोषणा की है? तो अभी दिल्ली के बाद असम गवर्नमेंट ने प्लाज्मा बैंक स्थापित करने की घोषणा की है, यानी कि इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है। बात आती है असम की, तो मैप में देखते हैं असम। यह है मैप में असम जो आपको रेड कलर का दिखाई दे रहा है। यह है असम। असम की कैपिटल दिसपुर है। असम के CM सर्वानंदन सोनोवाल हैं। कौन है? सर्वानंदन सोनोवाल हैं। और असम के गवर्नर जगदीश मुखी हैं। कौन है? जगदीश मुखी। और असम में है काजीरंगा नेशनल पार्क, और काजीरंगा नेशनल पार्क एक सींग वाले गेंडे के लिए प्रसिद्ध है। और यहाँ से क्वेश्चन बनता है कि एक सींग वाले गेंडे भारत के किस किस राज्य में पाए जाते हैं? तो एक सींग वाले गेंडे भारत के असम और वेस्ट बंगाल में पाए जाते हैं। कहाँ? और असम और वेस्ट बंगाल में पाए जाते हैं, और वेस्ट बंगाल में सबसे अधिक पाए जाते हैं एक सींग वाले गेंडे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, हाल ही में किस IIT ने टीचिंग सेटअप मोबाइल मास्टर जी को विकसित किया है? तो अभी IIT कानपुर ने टीचिंग सेटअप मोबाइल मास्टर जी को विकसित किया, यानी कि इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, हाल ही में किसे संयुक्त राष्ट्र में नीति अधिकारी के रूप में नियुक्त किया गया है? तो अभी वैशाली मोहंती को संयुक्त राष्ट्र में नीति अधिकारी के रूप में नियुक्त किया गया, यानी कि इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है। हाल ही में किसे संयुक्त राष्ट्र ने नीति अधिकारी के रूप में नियुक्त किया है? तो अभी वैशाली मोहंती को संयुक्त राष्ट्र ने नीति अधिकारी के रूप में नियुक्त किया, यानी कि इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है। अगर अदर ऑप्शन की डिस्कस करें तो KK शैलजा एक केरल की स्वास्थ्य मंत्री हैं और ये कोरोना से निपटने के लिए जो इन्होंने प्रयास किए, जो योगदान दिए, उसके लिए इन्हें सम्मानित किया है यूनाइटेड नेशन ने। और TS मूर्ति, इन्हें यूनाइटेड नेशन में भारत का स्थायी प्रतिनिधि बनाया गया है। अब बात आती है यूनाइटेड नेशन की, यानी कि UN। यूनाइटेड नेशन के बारे में जानते हैं, यूनाइटेड नेशन की स्थापना
24 अक्टूबर 1945 को हुई थी। कब हुई थी? 24 अक्टूबर 1945 को हुई थी। और यहाँ से एक क्वेश्चन बन जाता है कि यूनाइटेड नेशन डे कब मनाया जाता है, तो यूनाइटेड नेशन डे 24 अक्टूबर को मनाया जाता है। कब? 24 अक्टूबर को। यूनाइटेड नेशन का हेड क्वार्टर न्यूयॉर्क में है। कहाँ है? न्यूयॉर्क में है। और यूनाइटेड नेशन के हेड एंटोनियो गुटेरेस हैं। कौन है? एंटोनियो गुटेरेस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, हाल ही में किस देश ने APEC समिट 2021 को रद्द करने का ऐलान किया है? तो अभी न्यूजीलैंड ने APEC समिट 2021 को रद्द करने का ऐलान किया है, यानी कि इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है। अब बात आती है APEC, इसकी फुल फॉर्म क्या होती है? तो इसकी फुल फॉर्म होती है एशियन पैसिफिक इकोनॉमिक कॉरपोरेशन। क्या होती है? एशियन पैसिफिक इकोनॉमिक कॉरपोरेशन। इसकी स्थापना 1989 को हुई थी। कब हुई थी? 1989 को हुई थी। इसका हेड क्वार्टर सिंगापुर में है। कहाँ है? सिंगापुर में है। अब बात आती है न्यूजीलैंड की भी यहाँ पर, तो मैप में देखते हैं न्यूजीलैंड कहाँ है। यह है मैप में न्यूजीलैंड, जो आपको रेड कलर का दिखाई दे रहा है, यह है न्यूजीलैंड और यह है ऑस्ट्रेलिया। न्यूजीलैंड, न्यूजीलैंड की कैपिटल वेलिंगटन है। न्यूजीलैंड की करेंसी न्यूजीलैंड डॉलर है। और न्यूजीलैंड के PM जेसिडा आर्डन है। कौन है? जेसिडा आर्डन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, हाल ही में फिच रेटिंग ने वित्त वर्ष 2022 में भारत की GDP कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया है? तो अभी फिच रेटिंग की एक रिपोर्ट जारी की गई है, और इसके अनुसार वित्त वर्ष यानी ये फाइनेंशियल ईयर 2022 में भारत की GDP 8% रहने का अनुमान लगाया, यानी कि इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। और अभी केयर रेटिंग ने फाइनेंशियल ईयर यानी कि वित्त वर्ष 2020-21 में भारत की GDP -6.4% रहने का अनुमान लगाया था। अब बात आती है फिच रेटिंग की, तो फिच रेटिंग यह एक अमेरिकी क्रेडिट रेटिंग एजेंसी है। इसकी स्थापना 1914 को हुई थी। कब हुई थी? 1914 को हुई थी। इसका हेड क्वार्टर न्यूयॉर्क में है। न्यूयॉर्क कहाँ है? USA में है। और इसके प्रेजेंट टाइम पे CEO पॉल टेलर हैं। कौन है? पॉल टेलर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, हाल ही में पाक सेना में पहली महिला लेफ्टिनेंट जनरल के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो अभी निगार जोहर को पाक सेना में पहली महिला लेफ्टिनेंट जनरल के रूप में नियुक्त किया गया, यानी कि इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही होता है। यहाँ पे वर्ड आता है पहली महिला, इसलिए यह क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगर अदर ऑप्शन को डिस्कस करें तो पोंग डोमिंग ये भारत की है, और ये भारतीय सेना की पहली महिला गवर्नर बनी है। आरोही पंडित, इनकी बात करें तो ये भी इंडिया की ही हैं, और ये अटलांटिक महासागर को पार करने वाली पहली महिला कैप्टन बनी है। अब बात आती है पाकिस्तान की, तो मैप में देखते हैं पाकिस्तान कहाँ है। ये है मैप में पाकिस्तान, जो आपको रेड कलर का दिखाई दे रहा है, ये है पाकिस्तान और ये है अपना इंडिया। पाकिस्तान, पाकिस्तान की कैपिटल इस्लामाबाद है। पाकिस्तान के PM इमरान खान हैं, और पाकिस्तान के प्रेसिडेंट आरिफ अलवी हैं। कौन है? आरिफ अलवी हैं। और यहाँ से एक क्वेश्चन बन जाता है कि इंडिया और पाकिस्तान को डिवाइड करने वाली लाइन का क्या नाम है? तो इंडिया और पाकिस्तान को डिवाइड करने वाली लाइन का नाम है रेड क्लिफ लाइन। क्या है? रेड क्लिफ लाइन। और पाकिस्तान ने कुछ दिन पहले गन्ने के जूस को नेशनल ड्रिंक घोषित किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, हाल ही में LPG संयुक्त उद्यम के गठन के लिए भारत ने किस देश के साथ समझौता किया है? तो अभी भारत ने LPG संयुक्त उद्यम के गठन के लिए बांग्लादेश के साथ समझौता किया, यानी कि इस क्वेश्चन का ये ऑप्शन सही हो जाता है। बात आती है बांग्लादेश की, तो मैप में देखते हैं बांग्लादेश को। ये है बांग्लादेश। बांग्लादेश की कैपिटल ढाका है। बांग्लादेश की करेंसी टका है। बांग्लादेश की PM शेख हसीना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, हाल ही में किस बैंक ने MSME के लिए $750 मिलियन की इमरजेंसी रिस्पांस कार्यक्रम को मंजूरी दी है? तो अभी वर्ल्ड बैंक ने MSME के लिए $750 मिलियन की इमरजेंसी रिस्पांस कार्यक्रम को मंजूरी दी है, यानी कि इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही हो जाता है। बात आती है यहाँ पर MSME, इसकी फुल फॉर्म क्या होती है? तो इसकी फुल फॉर्म होती है माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेस। क्या होती है? माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेस। इसकी स्थापना 2007 में हुई थी। कब हुई थी? 2007 में हुई थी। और इसका हेड क्वार्टर न्यू दिल्ली में है। कहाँ है? न्यू दिल्ली में। अब बात यहाँ पर वर्ल्ड बैंक की भी हुई है,
तो वर्ल्ड बैंक की स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना 1944 को हुई थी। कब हुई थी? 1944 को हुई थी। इसका हेड क्वार्टर वाशिंगटन डीसी में है। कहाँ है? वाशिंगटन डीसी में। और इसके प्रेजेंट टाइम पे अध्यक्ष डेविड मालपास हैं। कौन है? डेविड मालपास। और इसके प्रेजेंट टाइम पे एमडी एंड सीईओ अंशुला कांत हैं। कौन है? अंशुला कांत। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, हाल ही में फिट इंडिया टास्क का शुभारंभ किसने किया है? तो अभी फिट इंडिया टास्क का शुभारंभ प्रेजेंट टाइम के हमारे खेल मंत्री किरेन रिजिजू जी ने किया है। यानी कि इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही होता है। किरेन रिजिजू जी ये प्रेजेंट टाइम पे हमारे खेल मंत्री हैं और इन्होंने ही फिट इंडिया टास्क का शुभारंभ किया है। यानी तो ये थे आज के कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो लाइक कीजिए, वीडियो शेयर कीजिएगा और चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट करके जरूर बताइएगा वीडियो आपको कैसा लगा।